हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और शानदार वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैपकट के अंदर, जो कि फ़ोन का सबसे शानदार एडिटिंग ऐप है, उसके अंदर आप एआई से जनरेटेड फोटोज़ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एआई से किसी भी तरह की किसी भी रिजोल्यूशन की इमेज हाई क्वालिटी में अगर आपको करनी है ना डाउनलोड, तो आप उसे इस वीडियो में देखना। ठीक है, पूरा मैंने प्रोसेस बताया है डिटेल के अंदर, मज़ा आएगा पूरा देखने में, तो यार पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, इमेजेस इतनी कमाल की आप अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले कैपकट ओपन करो, तो इस तरीके से आपका पूरा शुरू से बता रहा हूँ, स्किप करो। यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। और सबसे पहले आपसे ये साइन इन मांगेगा, फिलहाल अलाउ कर दीजिए, इमेज के लिए अलाउ मांग रहा है। और जनरेट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे साइन इन मांगेगा। आपको साइन इन विद गूगल नहीं, साइन इन विद ईमेल करना है। ठीक है, ये आसानी से होता है। और जो भी आपका अगर पहले अकाउंट तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पर साइन इन विद न्यू अकाउंट कर देना और बना देना। ठीक है, ये मैंने कर दिया साइन इन सक्सेसफुली, बता दिया। गूगल में नोट नाउ कर दो। देखो गाइस, ये इसका खुद का है जो कि इमेजेस की है। इमर्स योर सेल्फ इन द कॉलमिंग इमर्स ऑफ अ स्नोवी वंडरलैंड वेयर एवरी स्नो फ्लैक, मतलब जो भी है 8K लिखा है की है। 8K तो नहीं होगी क्योंकि अपना फ़ोन भी इतना सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन 8K जैसी अच्छी क्वालिटी भी है। ठीक है, तो ये देखो गाइस, ये सब मतलब इसका खुद का है। ये देखो, ये मैंने लिखा है एपिक गेमिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये एपिक गेमिंग बैकग्राउंड को रीजनरेट करोगे तो फिर वापस इतनी इमेजेस मैंने बनाई है। मुझे बार बार गाइस नया नया कुछ बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप भी एक बार बनाने बैठोगे ना, तो 15-20 मिनट तो आपको टाइम पास करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे लिखा, डार्क ग्लोइंग एनिम बैकग्राउंड लिखा, तो इसने ऐसी इमेजेस बना के दी है। डार्क विलेन एनिम बैकग्राउंड लिखा है, तो ये देखो गाइस कमाल की है, डार्क विलेन एनिम ग्लोइंग बैकग्राउंड में, ये देखो काफ़ी कमाल के दिया है गाइस। कुछ ग्लोइंग, कुछ डार्क, ऐसे नए नए वर्ड ऐड करके मैंने नई बनाई है। एनिम ग्लोइंग करके मतलब एनिमे ग्लोइंग और डार्क एनिमे ग्लोइंग इमेजेस, ये देखो। और विलनिश टाइप की इमेजेस मैंने निकाली है। ये मतलब यार गाइस आपके ना थंबनेल में, लोगो में और बैनर में भी काम आ सकती है। ठीक है, मैंने इसे एक चैनल का लोगो भी बनाया है गाइस, ये देखो ग्लोइंग एनिमे कैरेक्टर। और फिर मैं सोचा थोड़ा डार्क में बनाता हूँ, तो मैंने नाइट लिखा है। ठीक है, इसमें तो मैंने नाइट में फिर भी थोड़ा कम आया, तो रीजनरेट किया। फिर भी अच्छे रिजल्ट के लिए मैंने डार्क नाइट लिखा है, देखो, तो थोड़ा उससे डार्क मिला पीछे का बैकग्राउंड। इसमें पूरा सिर्फ डार्क लिखा तो काफ़ी अच्छी इमेजेस के मतलब वैरायटी में किया है। फुल ग्लोइंग टाइटन्स लिखा है, तो ये देखो यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है, मतलब कमाल के निकाले। ये तो मैंने सर्च नहीं किया, कैपकट का ऑटो जनरेटेड है। और ये देखो ब्लू ऑक मैंने लिखा, ये एक पक्षी है गाइस, जो कि इसका भी इसने बनाया है, कमाल का बनाया है गाइस। अब अपन अपने काम के बारे में देखते हैं, अपने को कैसे करना है। तो ये देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करो, सब कुछ हटाओ और अब अपन कुछ लिखते हैं, कुछ अनोखा सा लिखते हैं, जैसे कि रोनाल्डो प्लेइंग फुटबॉल लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं, वैसे सॉरी क्रिकेट लिखते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा यूनिक है, फुटबॉल का तो सबको पता है, वो बना के दे देगा। ठीक है, फुटबॉल की जगह क्रिकेट लिखते हैं। तो ये देखो गाइस क्रिकेट में ये कैसा रिजल्ट निकला है, ये देखो कमाल का है। थोड़ा सा इमेज क्वालिटी अगर और हाई होगी तो उसके लिए देखो यह इस पर जाओ और यहाँ पर देखो आप जनरल और एनीमे इसमें से किसी में भी बना सकते हैं। अपन जनरल रखते हैं और यहाँ पर आप एस्पेक्ट रेशियो भी देख सकते हैं कि किसी भी रेशियो में आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, इमेज क्वालिटी नीचे आप रिपेयर कर सकते हैं, पर गाइस अगर ज़्यादा रखूँगा तो मेरा हैंग होगा और स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए मैं फ़िलहाल इतना ही रखूँगा। ठीक है, आप हाई रख सकते हो, एक बार हाई रख के देख लेना। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शो केस के अंदर देखोगे कि जो लोगों ने कैसा बनाया है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में क्या है, ये सब बनाया है। देखो टू डॉग्स प्लेइंग और ऐसा करके, ये रोबोट की इमेज बहुत ही कमाल की है। देखो इसमें क्या लिखा है, फ्रेंडली पॉजिटिव क्यूट कार्टून ऑरेंज रोबोट स्माइलिंग एंड वेविंग। ठीक है, तो ये मतलब कमाल का बनाया है गाइस। और इस सारे मतलब यार थंबनेल में क्यों नहीं काम आ सकता, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के काम करो ना गाइस, तो आप थंबनेल में यूज़ कर सकते हो, लोगों में यूज़ कर सकते हो, बनाना नहीं पड़ेगा आपको, खुद बना के दे देगा। अभी यहाँ पे देखो गाइस मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको रेशियो तो सेलेक्ट करना आ ही गया है, अभी मैं लिख के बताता हूँ गाइस आपको। ये देखो तो मैंने लिखा है विराट कोहली प्लेइंग फुटबॉल, जैसे पहले लिखा था कुछ यूनिक, तो थोड़ी इमेज क्वालिटी हाई कर दोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा। कमाल के इसने गाइस रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब ये बनाता है। चलिए अब बाहर चलते हैं, इसका काम तो हो गया है, मतलब कमाल के गाइस रिजल्ट है और इमेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। खैर आज के लिए इतना ही गाइस, ये देखो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, अगर आपको किसी भी फीचर का एक पर्सनल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका पूरा पर्सनल वीडियो बना के आऊँगा। ठीक है, तो ज़रूर बनाऊँगा। खैर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ओके दोस्तों, बाय बाय।